कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। अयोध्या के मिल्कीपुर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम ने सपाइयों की तुलना कुत्ते की पूंछ से कर डाली। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,000 करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनको कानून के दायरे में लाकर शिकंजा कसना पड़ेगा, हमारी सरकार कर रही है जिसके ये पात्र हैं। कहा कि हर जिले का बड़ा माफिया व गुंडा सपा से जुड़ा था, इनका पदाधिकारी या शागिर्द था। संगठित अपराध पशु वन खनन भूमाफिया थे। माफिया समानांतर सरकार चलाकर अराजकता व गुंडागर्दी का तांडव करते थे, तो बबुआ घर से बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सोकर उठता था और जनता पिसती थी। मुस्लिम विलुप्तिकरण की हद को पार करते हुए पर्व व त्योहारों में इन लोगों ने अराजकता फैलाई थी। सीएम योगी ने और क्या कहा, सुनिए। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुईन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए, हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में जिसके ये पास नहीं। अयोध्या विकास के लिए नहीं, अब देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से यहां की लाइट जगमगाएगी। एक नई अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी है, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास दिन के एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति,
दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है।